इस गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण स्वयं यानी होली खेलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अब जो जय बोली जाएगी वो क्या किसकी बोली जाएगी, होली के रसिया की जय। ये ब्रज भूमि वो भूमि है, यहाँ देवता होली के लाने नहीं, देवता आने के लाने तरसते हैं। हम लोग तो बड़भागी हैं जो श्री वृंदावन धाम का वास किया और उसमें भी साधु हुए और ब्रज का आनंद ले रहे। भारत उत्सव का देश है, उल्लास का देश है, भक्ति और प्रेम और रस का देश है। इसीलिए भारत वर्ष में देवतागण स्वयं भगवान साक्षात श्री हरि नारायण किसी न किसी रूप में आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। आज इसी उत्सव के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में फिर एक बार आप सबके चिरपरिचित वही जो कभी गौ माता की सेवा करते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो कभी सब्जी बांटते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी परिक्रमा करते हुए दिखाई दे जाते हैं और अनंत भंडारा का प्रसाद भक्तों को संतों को कराते हुए दिखाई दे जाते हैं। मोर कुठी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी हमारे साथ में है। हम बातचीत करेंगे होली के उत्सव और रंग को लेकर, कैसे हमारे भारतवर्ष में उत्सव उमंग उल्लास मनाया जाता है। गुरुदेव जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, परमात्मा सुखी रखे जी। दुनिया में तमाम देश है लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पर देवतागण साक्षात उतरते हैं और किसी न किसी उत्सव में शामिल होते हैं। ये हमें क्या जीवन का सीख देते हैं, क्या बताते हैं हमें? बोल होली के रसिया की जय। फागुन के महीने में हमारे ब्रज में होली के रसिया यानी भगवान राधा कृष्ण स्वयं आकर इस भूमंडल पे नहीं, ये गोलोक धाम है। हमारा जो 84 कोस ब्रज मंडल है इसको गोलोक धाम कहते हैं और इस गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण स्वयं यानी होली खेलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अब जो जय बोली जाएगी वो क्या किसकी बोली जाएगी, होली के रसिया की जय। ये ब्रज भूमि वो भूमि है, यहाँ देवता होली के लाने नहीं, देवता आने के लाने तरसते हैं। हम लोग तो बड़भागी हैं जो श्री वृंदावन धाम का वास किया और उसमें भी साधु हुए और ब्रज का आनंद ले रहे। आपने सुना होगा बरसाने में लड्डू की होली हुई थी जी, जी। कल के दिन बरसाने में लठामार रंग की वो गुलाल की होली हुई थी और आज नंदगांव में होली हुई है। तो जो होली खेलते हैं वो हमारे ब्रजवासी खेलेंगे, ब्रज की गोपिकाएं और गोपी होली खेलेंगे, ये ब्रजवासी इनका सौभाग्य है, यानी ये गोविंद की उन पे कृपा है और ये कृपा भगवान हम कहते हैं सदैव हम ब्रजवासी इन पे सदैव बनाए रहे, तो इसको कहते हैं ब्रज की होली। अच्छा, इस होली के लाने देवता तरसते हैं। देखिए, आपने सुना होगा यहाँ बेलबन है, यमुना जी के 1 किलोमीटर उत्तर में बेलबन है। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आकर और ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लाने गए और जब गौ चराने के लाने गए तो यमुना के किनारे भगवान ने कहा, अरे लाला मनसुका तुरंत, हाँ हाँ बोल दादा कन्हैया। जब भगवान से काम लेना पड़ता था तो सारे ग्वाल बाल दादा कहते थे, जैसे अकासुर बकासुर केसिया मर्दन कोई भी जब राक्षस आता था तो भगवान से जब वो दिखे कि अब प्राण जाएंगे परेशानी है तो दादा दौड़िए कन्हैया दादा दौड़िए। जीव बड़ा स्वार्थी है, परमात्मा पर स्वार्थी है, इसलिए उनका नाम परमात्मा पड़ा। हर मनुष्य सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख कर सब प्रीति, तो दौड़ते थे भगवान जल्दी आकर उनको बचा लेते थे। तो एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल मंडली के साथ गए और यानी जो ग्वाल बाल जो भी जो लाया था सब आपस में बांट बांट के, मक्खन मिश्री कोई दाल भात चावल जो भी लाया था वो पा रहे थे। उस दिन सिर्फ मधु यानी मनसुका से भगवान बोले, अरे भैया मनसुका तूने हमको कुछ खाने के लाने ना दियो। मनसुका ने क्या किया, उस मनसुका के एक गौ थी बिचारी वो लात गई थी, दूध हो नहीं रहा था, तो मनसुका की मैया ने छाछ मांग के रख दियो। तो एक मिट्टी की यानी उसको यानी डोल वो नहीं हंडी, हंडी मिट्टी की हंडी में छाछ मांग के रख दियो। तो उसमें मनसुका ने कही, अगर मैं सबको बांटूंगा जे तो आपस में कोई मक्खन मिश्री सब बांट रहे हैं और मैं बांटूंगा तो यानी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि छाछ को का बांटा है। जब पी गया और जब वो पी गया तो भगवान ने सब भाई कही, भैया मनसुका, अच्छा मनसुका भगवान के पीछे बैठा था, सारे ग्वाल बाल ऐसे गोल
चक्कर लगा के बैठे थे भगवान, बीच में बैठे थे मेरे गोविंद, तो कही के भैया मन सुखा तेरी मैया ने आज कल कलेवा में का रखो है। अरे कही भैया जो रखो तो मैंने खा लाओ ना बता। बोले ना भैया मेरे अने दिखा दिखा। तब तो कुछ भी नहीं, तब मनसुखा जल्दी छाछ को पी गया। भगवान ने उसका जो हाथ में थोड़ा सा छाछ रह गया था वो चाटा जी। वो लक्ष्मी जी ने साकेत धाम में बैकुंठ धाम से गोलोक धाम से वो देख लिया तो लक्ष्मी जी ने मुंह सकोड़ लिया। अरे ये क्या बताओ, ब्रह्म होकर मेरे पति होके और जूठा मीठा ग्वाल वालों का खा रहे। भगवान को ये बात बुरा लगा। कुछ दिन के बाद भगवान ने ब्रजगोपिकाओं को बुलाया, बंसी की तान छिड़ी, सारी ब्रजगोपिकाएं छोड़ दौड़ दौड़ कर धाई धाई यानी दौड़ के आई। भगवान बोले आज निधि वन में आज महारास होगा, रोज तो रास होता था आज महारास होगा। जैसे भगवान का अवतार हुआ था राम जी का, तो मास दिवस का दिवस भा मरम ना जाने कोई, रथ समेत रवि रुक गए निशा कवन विधि। एक महीने का एक दिन हुआ था जब भगवान ने राम जी का अवतार हुआ था, अवतार हो गए थे। आज के दुष्ट तो भगवान को काल्पनिक कहते हैं, अरे वो मूर्खों को यही पता नहीं है कि भगवान अब हम तुम जैसे माँ के उदर से जन्म ले, ऐसे भगवान नहीं लेते। भगवान भाई प्रगट कृपाला, भगवान प्रगट होते हैं जी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब नारायण के 24 अवतार जी प्रगट होते हैं। तो भगवान ने क्या किया, ये सारी ब्रजगोपिकाएं बंसी के तान छेड़ी, सारी ब्रजगोपिकाएं दौड़ी आई, कही गोविंद बताओ बताओ आज बोले महारास होगा। बोले बहुत अच्छी बात है, तो आपने देखा होगा कहीं दो माता बहन गा रही हो नाच रही हो तो तीसरी अगर देख रही तो उसको कहना नहीं पड़ेगा तू भी नाचेगा, वो स्वयं नाचने लगेगी। यही माता बहनों का भाव होता है, बात्सल आनंद का भाव होता है। तो वहां भगवान ने महारास रचाया, लक्ष्मी जी ने देख लिया, लक्ष्मी जी ने साकेत धाम से देख लिया, बोले मैं भी आ रहे। भगवान बोले नहीं तुम नहीं आओगी। बोले नहीं मैं जरूर आऊंगी। बोले नहीं आओगी। बोले क्यों। बोले मैं ग्वाल बालों के साथ जब गौ चरा रहा था तो मनसुखा ने छाछ पी लिया था, वो बचा हुआ हाथ से पोंछ लिया था, तो वो हाथ मैंने चाटा था, आपने मुंह सुकोड़ा था, इसलिए तुम नहीं आओगे। तो संसार में लक्ष्मी जी भगवान के साथ विराजमान है और हमारे बेल मन में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ रही हैं कि गोविंद मुझको बुला लो, माधव मुझे बुला लो, कृष्ण मुझको बुला लो। यानी भगवान का 108 नाम लेके प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, तब भी भगवान ने नहीं बुलाया। तो कही मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। तो भगवान लड्डू गोपाल एक रूप से बेल बन जाके तो बैठ गए, मानो लक्ष्मी जी को ब्रज में नहीं आने दिया। और ब्रज में नहीं, ब्रज का ब्रज में तो चलो आ गई, जो वृंदावन है ये भगवान का हृदय है, निज वृंदावन धाम में नहीं आने दिया। तो कहने का भावार्थ ये है कि देखिए ये ब्रजवासी भागशाली है, ये जो ब्रज में वास कर रहे वो भी, और आप लोग भी जो देश काल में हमारे चैनलों के द्वारा, हमारे भक्तों के चैनलों के द्वारा, संतों के चैनलों के द्वारा और राजनारायण जी के चैनल के द्वारा जो आप देख रहे हैं, आप भागशाली हो। आप भी कभी भगवान समय दे तो ब्रज में आइए, वो ब्रज में आइए। जो ब्रज में आता, ब्रज में सदैव मंगल ही मंगल है, या अमंगल का कोई काम नहीं है। जहाँ देश काल के लोग आते हैं कहते महाराज कहीं भी अशांति हो जाती है, ये श्री वृंदावन धाम में अशांति नहीं होती। क्यों है, सदैव राधा और कृष्ण के चरण, राधा कृष्ण के क्षण और कण में, क्षण यानी हर समय, कण यानी हर जगह भगवान राधा कृष्ण के चरण पड़े हुए, इसलिए ब्रज मंडल में सदैव मंगल ही मंगल है। इसलिए आप सब लोग भी आइए, मैं मोरकुटी आश्रम से आप सबको बुलाने के लिए निमंत्रण करता हूँ। हमारे मोरकुटी आश्रम में होली मिलन समारोह है, इसमें जगह जगह की तमाम तमाम मंडली आ रही है। अभी आपने देखा हरियाणा से कभी भी बन 30-40 माता बहने आदमी आए हुए, ये बहिन होटल के पास बहिन गांव से आए, अभी जनाचौली से आ रहे हैं, मोरबन मरोली से आ रहे हैं, कुछ फरीदाबाद से, जगह जगह से लोग बाग आ रहे हैं। वो आज पूरी रात होली चलेगी, वो कल भी भंडारा रहेगा, आज भी भंडारा है। इसलिए जिसको मंगल मैं अपना घर परिवार और अपने आप आनंद में रहना है, वो मंगल की ओर दौड़े। और अपने एक एक ईमानदारी का, अगर एक एक पैसा भी अच्छी जगह दान पुण्य करोगे, उस पैसा से होली का उत्सव मनाया जाएगा, मोरकुटी में सब्जी बांटी जाएगी, भंडारा किया जाएगा, ब्रजवासी ब्रज संतों की सभी की सेवा की जाएगी, आपका मंगल होगा, आपके घर में कभी अमंगल होगा ही नहीं। इसलिए मैं सबसे
मेरे राधा कृष्ण से, मेरे मोरकुटी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, भगवान करे जो जो कोई आप सब सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, आपके घर में सदैव मंगल होए। जय जय श्री राधे श्याम। संपूर्ण देश में देखते हैं कि तमाम तरह के शोक है और तमाम तरह की व्याधियां हैं, तमाम देशों में युद्ध भी चल रहा है, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा मात्र देश है जहां पर होली है, तीज है, त्योहार है, उत्सव है, रंग है, उल्लास है, सारा कुछ का दर्शन देखने को मिलता है। देखिए हमारे भारत ही बार से एक ऐसा देश है जहाँ होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती, तमाम तमाम पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। ये दुष्ट लोग विदेशों में जो नहीं मनाते हैं इसलिए वो परेशान होते हैं। आज देखिए रूस का युद्ध चल रहा है, कहीं यानी इसराइल का चल रहा है, कहीं हमास का, कहीं कौन कौन देशों के, और पाकिस्तान बेचारा खुद ही भूखा मर रहा है, कटोरा लेके विदेशों में मांगने जाता, कोई भीख भी नहीं दे रहा। और हमारे देश में देखिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश विदेश से तमाम तमाम उद्योगपति आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, और हमारे देश की कोई भी गरीब से गरीब जनता को देखोगे सब आनंदमय, हर्षमय, उल्लासमय, यानी सब तीज त्योहार के उल्लास में है। क्यों हमारे यहाँ कोई ऐसा लफड़ाई नहीं है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के आराम से रह रहे हैं और आराम से सब तीज त्योहार मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं सब जी। होली की सभी देश विदेश में जहाँ भी भक्त है उनको शुभकामनाएं बताएं। आपको श्री मोरकुटी वृंदावन हनुमान जी की कृपा से, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से हम आप सबको होली की बहुत बहुत ढेर सारी मंगलमय आनंदमय शुभकामनाएं भेज रहे। आप जो भी जहाँ भी हो, जहाँ देख रहे हो इस चैनल के द्वारा, आप सबको शुभकामनाएं प्राप्त हो और आपके घर में सदैव मंगल हो, कभी अमंगल आपको देखने सुनने मिले ही नहीं। जय जय श्री राधे श्याम सीता। हम लोग होली का उत्सव घर परिवार के साथ मनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं, लेकिन ब्रज की होली का रंग और उत्सव अगर गुरुदेव महाराज जी के साथ में मनाते हैं तो ये आनंद और ही दोगुना हो जाता है। तो जैसे गुरुदेव महाराज जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, देश विदेश में जहां भी भक्त है गुरुदेव महाराज जी का दर्शन करके होली का आनंद ले सकते हैं, ब्रज रस का आनंद ले सकते हैं। आइए मोरकुटी में वो सब उत्सव की सारी तैयारियां, जैसे भक्तगण दूर दूर से आए हैं उन सब की तैयारियां, उन सब का आनंद, भजन कीर्तन सब का आनंद आप सबको लेकर चलते हैं। मोरकुटी का आप सब दर्शन करिए, ब्रज की होली के रंग में रंग जाइए, जग होरी और ब्रज होरा इस रंग में आप सब आनंदित हो जाइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ आप सब देख सकते हैं होली की तैयारियां चल रही है, प्रसाद की तैयारी चल रही है, यहाँ पर पकौड़ी प्रसाद का तैयारी चल रही है, यहाँ पे सब्जियां बन रही हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे कि बड़ी संख्या में भक्तों का आना शुरू हो गया है, तो इसलिए पकौड़ी प्रसाद जो है वो तैयारी हो रही है। माताएं जो है यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रही हैं, लजीज व्यंजन यानी सब्जी है तो प्रसाद है और आलू का प्रसाद है, वो सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप सबको प्रसाद के रूप में मिलेंगी। और यहाँ भी देखिए तैयारियां हो रही है। हरिओम बाबा जी महंत गोशाला के हैं, मैं ये चाहूंगा क्या क्या तैयारियां मोरकुटी में हो चुकी है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। अब व्यवस्थाएं तो आप सब देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा है। आज होली है तो हमारे हरियाणा से हमारे कुछ भगत है तो वो बड़े बड़े नगाड़े लाते हैं, होली का प्रोग्राम आज रात में भी रहेगा और कल दिन में भी रहेगा जी। तो आइए आप सब होली के रंग में रंग जाइए, ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है वहां चलते हैं। यहाँ आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं, फूल बंगला भव्य और दिव्य सजाया जा रहा है, और यहाँ आप जब दर्शन करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि हाँ सच्चे मन से होली का रंग, होली का उत्सव, होली का आनंद आप सबको दिखाई देगा। ठाकुर जी का एक बार अनंत भाव से, अंतर मन से दर्शन मिलकर करिए, जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के कर कमलों से पूरी दुनिया चलती है, इन्हीं से पूरा पूरा संसार चलता है, और इनका दर्शन अगर हो गया तो फिर हम सब का भी जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ आप देखिए गुब्बारे लगाए गए हैं ढेर सारे, और ये पूरा जो है
मोर कुटी को जो है सजाया गया है। ये आप आसमान पर भी ऊपर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा अगर देखेंगे तो ये पूरी सजावट की गई है। होली का उत्सव, होली का रंग यहाँ देखते बनेगा। तो आइए होली के रंग में सब मिलके रंग जाएं।